नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं स्कूल प्रॉस्पेक्टस का एक कवर डिज़ाइन। स्कूल बिल्डिंग मैंने इंसर्ट कर लिया है और ये नेम भी टाइप कर लिए हैं। इसी का यूज़ करके हम प्रॉस्पेक्टस कवर डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन कैसे करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं पहले पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं। इसी का मैं डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और इसको हम कर दे रहे हैं कर्व। कंट्रोल क्यू से आप कर्व कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी बार में जाकर कर्व करेंगे। उसके बाद सेव टूल से इसको मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ बाहर से ड्रैग करके, और फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। लेफ्ट नोड को सेलेक्ट करेंगे और तो एक हैंडल आ जाता है। इस हैंडल को मैं नीचे के साइड लाऊंगा इस तरीके से। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, शिफ्ट की प्रेस करते हुए बड़ा कर रहे हैं ताकि दोनों साइड से ये बड़ा हो। उसके बाद इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और फिर टूल बार में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्मार्ट फिल टूल से मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद इन सभी को डिलीट करेंगे, इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर बना लिए हैं। कुछ इसी प्रकार से ऊपर की साइड भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद शेप टूल से मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर प्रॉपर्टी बार में जाकर कन्वर्ट टू कर्व कर दे रहे हैं, और फिर इस नोड को सेलेक्ट करेंगे और इस हैंडल को ऊपर की साइड, इसी प्रकार से इसको नीचे के साइड ला रहे हैं। इसी का डुप्लीकेट कर दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इसको कर देते हैं फिल, इसको भी फिल कर देते हैं, और इस लाइन को डिलीट कर दे रहा हूँ। इस बार इसको हम यहाँ से मिरर कर देते हैं। फ्री हैंड टूल से मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ और एक यहाँ, उसके बाद एक यहाँ, इसको मिला देते हैं। शेप टूल से इसको मैं बाहर से ड्रैग करके सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाकर कर दे रहा हूँ कन्वर्ट टू कर्व। उसके बाद इस नोड को सेलेक्ट करेंगे और इस हैंडल को नीचे की साइड लाएंगे, इसी प्रकार से इसको भी नीचे की साइड लाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको मैच कराएंगे। उसके बाद इसको भी स्मार्ट फिल टूल से मैं फिल कर दे रहा हूँ, इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से इफेक्ट आ जा रहा है। अब इसको यहाँ हम मैच करा ले रहे हैं। इस नोड को कर देते हैं डिलीट। एक बार फिर से स्मार्ट फिल टूल सेट करेंगे और इस एरिया को भी फिल कर देते हैं। नीचे की साइड में यहाँ पर केसरिया कलर फिल कर दे रहे हैं। उसके बाद जी प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। यहाँ पर डार्क रेड फिल कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ग्रीन कलर फिल कर दे रहा हूँ लाइट ग्रीन। इसको भी जी प्रेस करेंगे और इस साइड से मैं डार्क ले रहा हूँ इस तरीके से, या फिर इसमें दूसरा कलर फिल करते हैं। मैं इस कलर को फिल कर दे रहा हूँ। इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और इसमें वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड, इसमें मैं पावर क्लिप कर दे रहा हूँ। इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट पावर क्लिप, इसको एडजस्ट कर लेंगे, और फिर इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे फिनिश पावर क्लिप। आप कंट्रोल की प्रेस करके भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करें और माउस लेफ्ट बटन से इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद एडजस्ट करें और फिर कंट्रोल की प्रेस करते हुए बाहर आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो ये फिनिश भी हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैं नेम सेट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर लोगो, उसके बाद नेम। नेम का चाहें तो आप फॉन्ट चेंज कर लें, तो मैं कुछ इसका फॉन्ट चेंज कर ले रहा हूँ। कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो ये ब्रेक के पार्ट हो जाता है। अब इसको चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं महाविद्यालय को, इसकी साइज़ हम बढ़ा लेते हैं महाविद्यालय की।
अब इतना सेट करने के बाद नीचे की साइड में टाइप कर ले रहा हूँ विवरणिका। तो कुछ इस तरीके से मैंने कवर पे डिजाइन कर लिया है, इसी का डुप्लीकेट करके हम बैक पेज भी डिजाइन कर लेते हैं। इसको मैं कर दे रहा हूँ मिरर इस तरीके से, और इस बिल्डिंग को मैं इस बार ऊपर की साइड लगा देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और इसको मैं ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप स्काई इसी को कॉपी कर दें, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल टी। उसके बाद यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लाइट कर दे रहा हूँ। ये बैक साइड में जो जगह बच रहा है यहाँ पर आप स्कूल का लोगो, नेम, ईमेल, वेबसाइट और कॉन्टेक्ट नंबर सेट कर सकते हैं, या फिर आप बैन बस जो भी आप सभी को सेट कर सकते हैं। तो मैं लोगो और स्कूल का नाम सेट कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर विवरणिका का कवर डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से मैंने कर लिया है। आप प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।